In childhood, whenever we used to listen about the places like heaven on earth, the only place which comes first in mind was none other than the mesmerizing झील सेफलमलुक, जो अपने अंदर कई दास्तां और कई कहानियां समाये हुए हैं। कभी उस शहजादे के बारे में जो 12 साल के अरसे तक यहाँ इंतज़ार करता रहा, उस परी का जो उसके ख्वाब में आके उसको अपनी खूबसूरती का दीवाना कर गई। कभी उन परियों के बारे में जो हर साल सर्दियों में चांद की रातों में यहाँ पर उतरती हैं, और कभी उस जिन के बारे में जो उस परी पर फिदा था जिसके लिए शहजादा यहाँ इंतज़ार करता रहा। कई लोग, कई कहानियाँ। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट मी टेक यू टू द झील सेफलमलुक इन टुडेज व्लॉग। Watch the land and don't forget to like, subscribe and share if you like the vlog. Good morning guys, it's a day 2 and early morning, just done with the namaz. Roshni jo hai wo phail chuki hai. Hamari koshish yehi thi ki fajr ke time ho jate, but still only I'm the one who woke up. नमाज पढ़ के बाकी सब सो रहे हैं अभी, और चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या नज़ारे हैं बाहर के। लेट्स गो। एवरीवन इज स्लीपिंग, इसलिए मैं बहुत स्लो बात कर रहा हूँ। चेक दिस आउट। खामोशी चेक कर रहे हैं, खामोशी, पीस, लव इन दिस एनवायरनमेंट, लव इन इट मैन। वाओ, सुभान अल्लाह। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें, एवरीथिंग सो क्लियर, सो क्लियर। सो गाइस, देयर इज अ स्लाइटली चेंज इन द प्लान, क्योंकि आपको पता है इल्साद आया हुआ है और वो नहीं आराम से सब कुछ करने दे रहा, तंग आ रहा है, वो इरिटेट हो रहा है, रो रहा है, तंग कर रहा है। मेरे ख्याल से उसको इट्स अ फर्स्ट ट्रैवलिंग फॉर हिम, तो हम सिर्फ अभी झील सेफलमलुक जाएंगे। हमारा प्लान तो बाबू सर टो हंजा और गुजराबाद जाने का था, बट इट ऑल गॉट कैंसल्ड। और यहाँ तो हो सकता है हम फ्लाइट करवा के मैं और रहीना जो है वो वापस जाएँ, अगर नहीं तो हम झील सेफलमलुक के बाद सीधा लाहौर के लिए निकल रहे होंगे, और अगर कहीं आई ने दोबारा तंग किया तो शायद इस्लामाबाद स्टे भी करें। तो लेट्स सी, इट हैपेंस, तो कोई बात नहीं, हम फिर जो है वो बहुत सारे जो है मेरे ख्याल से दोबारा आएंगे। ऑल सेट, बट हिना जो है वो साथ नहीं जा रही होगी, क्योंकि आहिल बहुत तंग कर रहा है और वो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं कि हम ना जाएं ना, क्योंकि एक तो ठंड बड़ी है और आहिल पता नहीं एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसलिए हिना इधर रहेगी होटल में। हसन, मैं, जवाद भाई और मैं विल लीव फॉर झील सेफलमलुक, और उसके बाद आपके साथ ही विल लीव फॉर लाहौर। प्लान इज टोटली चेंज नाउ। यहां पे ये चीजें हैं जो जो हमने पहले देखी हैं, सब बालाकोट, पाया, सिरी, शोग्रा, ये यहाँ की स्पेशल चीजें हैं जो हम सही तरह से एक्सप्लोर नहीं कर। सेफलमलुक झील, आंसू झील, रति गली झील, दोलपसर झील, लालाजार, लुलू सर झील, ये सारी मैंने देखी हुई है, ये सारी मैंने देखी हुई है, पर वो 2 साल पहले मेरे ख्याल से, 2 years back, बट वो व्लॉगिंग का कोई सीन नहीं था, तो इसलिए एक्सप्लोर एवरीथिंग ओवर हियर। शिग्रीला, अपर खजूरा लेक, लोअर खजूरा, बाबूसर टॉप, लुलू सर लेक, अमेजिंग थिंग्स, स्कर्दू, कोल्ड डेजर्ट, बट वो ब्लॉगिंग वाला सीन नहीं था। तो मेरा, हमारा आने का पर्पज़ भी यही था कि इस दफ़ा ब्लॉग में निकालें उसको और आप लोगों को भी दिखाएं, बट अनफॉर्चुनेटली प्लान चेंज करना पड़ रहा है और सिर्फ झील सिर्फ नारायणगंज से ही वापस चले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा आएंगे, फिर दिखाएंगे आपको। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट वापसी पे हैं काफ़ी चीज़ें, तो लेट्स सी क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं हम, क्या नहीं। अभी जैसे हम क्विकली निकलेंगे झील से सेफलमलुक के लिए, उसके बाद वापस आएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। लेकिन गाड़ी करवा ली है झील से सेफलमलुक जाने के लिए, और जगाड़ी हुई है, और उसके बाद माइलो हल्का फुल्का नाश्ते का टच। रास्ता इतना पथरीला है और गाड़ी इस तरह से मूव हो रही है कि जवाब भी जो है वो जूस क्या है, मैं दूध नहीं पी पा रहे, और मैंने जल्दी पी लिया क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉ था। यहाँ पे ये है कि यहाँ जिस एफ लोग जाने के लिए नारान से गाड़ी करवानी पड़ती है, स्पेशली दिस थी, क्योंकि इस
के बगैर पॉसिबल नहीं है। आप गाड़ी जा तो सकती हैं पर रेली हर्डल, तो अच्छा है कि लोकल फोर व्हीलर गाड़ी पर चला जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको आइडिया भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है गाड़ी चलाने का। रास्ता आगे बहुत मुश्किल आएगा, अभी मैं आपको शायद दिखाऊँगी। 2000 से 2500 तक की ना हो जाती है बुकाइड। ड्राइवर ने उधर के जो है ना गाड़ी को फोर व्हील पे लगा दिया, क्योंकि आगे जो रास्ता है वो सारा फोर व्हील का आने लगा है, रास्ता सारा स्टीप है। गाड़ी से उतर गए क्या रास्ता था, हिला के रख दिया बहुत। एंड ड्राइवर इतने जो शीला था जितनी बॉम्ब गाड़ी थी। चले एडमी शकी को चीज कर। Beautiful झील सैफन रॉक, हाउ ब्यूटिफुल। उधर चेक करें क्या साफ शफाफ क्लीन इन्वायरमेंट, खूबसूरती, ब्यूटिफुल नेचर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। चेक करें जरा बॉय को कैसे कैसे तैयार हो के और पूरे स्टाइल के साथ जो है ना, इसमें तीन चार दफ़ा शर्ट बदल के मुझे दिखाई है कि अहमद जा रही है जींस के साथ कि नहीं, ऊपर जैकेट जा रही है कि नहीं, फिर दो दफ़ा जैकेट चेंज की एंड फाइनली इस ड्रेसिंग पे आया। चेक करें जरा यार, एक तो ये बंदा हर ट्रिप पे ना इन चीज़ों से बाज नहीं आता। आगे हमारे पास टाइम शॉर्ट है और इसको वॉशरूम आ गया, एज ऑलवेज। अभी आपको हमने एक ब्लॉग नहीं दिखाया, नहीं तो उसके अंदर तो ये कह रहा था आ नहीं रही। कोई बात नहीं, कर तू अपनी प्रीशियस खाद लेकर जाएगा यहाँ पे, जी कह रहा है कि जी 50 रुपीज मांग रहे हैं तो मैं नहीं कर रहा जाके, हद तो होगी यार, अभी होटल से आया और ये काम है इसके। लो जी 50 रुपए की वजह से काम कैंसिल, ये चीज 2021 इसका साल है, तो फिर वो काम अभी से जो है ना इसे स्टार्ट कर दिया। आफ्ताब भी सारा जीत तो भाई लास्ट में हम आए थे ना तो पानी दे देते जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, और अभी पानी जो है वो काफ़ी लो साइड पे जा चुका है, यानी चुनी ऊपर हो गया। दूसरी बात ये इतना साइडों से गंदा हो चुका हुआ पहले, और इतना पहले क्रिस्टल पानी होता था कोई हाल, जो मैंने कहा ना कि डूब मरना चाहिए वो इसीलिए, क्योंकि आप अगर आप अपने कैमरा से दिखाएं तो चले बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन आप रैपर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें नेचर को आप डिस्ट्रॉय करते हैं। दैट्स नॉट गुड फ्रॉम द नेचर पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों मैं, आर यू हैविंग फन? यार आज तो वाटर लेवल ही नहीं है वो, मैं भी स्विमिंग वाला तो आपको डाइव करके दिखाता मैं। ये देखिए इसके तल्ले मशहूर है और कामयाब हो गया अपने तल्लों में।
ये थी मेसमराइजिंग झील सैफल मलूक जो मैंने आपको दिखाई। आई होप आपको सारे शॉट्स अच्छे लगे होंगे। नाउ द थिंग इज, पहले ड्रोन लेने से पहले पता क्या समझते थे हम, यार ड्रोन लेना ही बड़ा काम है, एक दफ़ा ले लिया तो आह मज़े, बड़ा ऐसा नहीं है यार, सिर्फ कोई 10 सेकंड्स के शॉट्स के लिए ना इतनी मेहनत करनी पड़ती है बॉस, कि आपका शॉट जो आप सोच रहे हो ना, जो सोच लेके आए हो वो आ जाए किसी तरह से। बट ये आई होप आपको अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून, अभी वापस जाते हैं, हिना इज़ वेटिंग फॉर अस, उसको मिस किया हमने, उसको पिक करते हैं। हमारी लाला ने हमारी बड़ी मदद की है, हेल्प की है, हमारे लिए वेट भी किया। आपका नाम क्या है? नज़र खान साहब। नज़र खान साहब, चलिए जी मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर फेंक देता हूँ, और अगर आपको आना हो यहाँ पे आएँ, आप इनको कॉल कर लें एडवांस में, ये आपको सब यहाँ का टूर गाइड भी दे देंगे और झील सैफल मलूक तक भी पहुँचा देंगे फ्रॉम नुमान। सो दैट्स अ रैप गाइस फॉर टुडेज़ व्लॉग। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, बेल का आइकन लाजमी बताइएगा ताकि आने वाली इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट आप लाजमी देख सकें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और दैट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। होप आपने आज का व्लॉग इंजॉय किया, झील सैफल मलूक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और यस सी यू नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।